इसका वेट जो है जो मिट्टी उठा के लेके जा रहा है बंडू भाई। तो ये हमारे बंडू भाई बॉक्सिंग खेलने चले गए और मुंह तोड़वा के आ गए। तो ये बंडू भाई जिम में वजन उठा रहे हैं, ठीक है। तो ये बंडू भाई सामान उठा रहे हैं ऊपर। अगर समझो ये इस पोजीशन में स्टेशनरी है, कुछ स्पीड ब्रेकर आ गया, तो बंडू भाई ने क्या किया, ब्रेक अप्लाई किया। ब्रेक अप्लाई करने की वजह से क्या हो गया, फिजिकल कॉन्टैक्ट हो रहा है बंडू भाई के बीच में और उस बक्से के बीच में क्या हो रहा है, फिजिकल कॉन्टैक्ट है। इस लाइन को क्या बोलेंगे, लाइन ऑफ एक्शन। ये हमें बाद में कुछ प्रिंसिपल्स पढ़ने के लिए एक ही पॉइंट पे नहीं आएंगे, कोई दो आ सकते हैं, तीन आ सकते हैं, लेकिन सारे फोर्सेस नहीं आएंगे। सो हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पराग देसले एंड यू आर वॉचिंग बोध निधि। यहाँ पे मैं अपना कन्वेंशनल इंजीनियरिंग विजडम जो है, अंडरस्टैंडिंग जिसे हम बोध कहते हैं, उसे किताबों से निकाल के आपके दिमाग तक पहुँचाने का काम करता हूँ। तो अगर आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज से मैं पर्टिकुलरली इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के ऊपर काम करने वाला हूँ, जिसमें इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का पूरा सिलेबस मैं एक पूरे लेक्चर सीरीज में कवर करने वाला हूँ। तो अगर आपको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को उसके सही मायनों में समझना है तो इस प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए, जिसमें इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जो है वो स्टार्ट टू एंड हम डिस्कस करेंगे। तो पूरे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के सिलेबस को हमने 7 मॉड्यूल्स में डिवाइड किया हुआ है। मॉड्यूल नंबर 1 जो है वो रिजोल्यूशन एंड कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस रहेगा। उसके बाद हम मॉड्यूल नंबर 2 में सेंट्रॉइड एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ेंगे। उसके बाद मॉड्यूल नंबर 3 में हम इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे एंड देन मॉड्यूल नंबर 4 में हम फ्रिक्शन कवर करेंगे। जिसके बाद मॉड्यूल नंबर 5 जो रहेगा वो स्ट्रक्चर्स के ऊपर दिया रहेगा, जिसमें हम ट्रसेस, फ्रेम्स एंड केबल्स एनालाइज करेंगे। तो यहाँ तक जो है वो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का स्टैटिक्स पार्ट हो गया। उसके बाद डायनेमिक्स में हम मॉड्यूल नंबर 6 देखेंगे, जो कि पूरा काइनेमेटिक्स के ऊपर बेस्ड रहेगा। एंड देन इन मॉड्यूल नंबर 7 विल डिस्कस काइनेटिक्स। सो दिस लास्ट टू मॉड्यूल्स विल बी फॉर डायनामिक्स एंड दिस फर्स्ट 5 मॉड्यूल्स विल बी फॉर स्टैटिक्स। सो इसमें हमने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का सारे यूनिवर्सिटीज का सिलेबस ऑलमोस्ट कवर हो जाएगा। हर मॉड्यूल के लिए अप्रोक्सीमेट में 8 से 10 लेक्चर दूंगा। इस तरह से सिक्वेंस में सारे लेक्चर्स प्लेलिस्ट के अंदर अरेंज किए रहेंगे। इफ यू फॉलो दैट प्लेलिस्ट इन द सिक्वेंस, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का आपका पूरा पढ़ाई हो सकता है। तो इस पूरे कोर्स को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। जो फर्स्ट पार्ट है स्टैटिक्स और दूसरा पार्ट है डायनामिक्स। तो ऑब्जेक्ट अगर स्टेशनरी है और उसके ऊपर कोई फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं तो उन फोर्सेस का अगर स्टडी करना है तो वो हम स्टैटिक्स में स्टडी करते हैं। मतलब स्टैटिक्स क्या है, जिसमें जो ऑब्जेक्ट या बॉडी रहेगा वो मोशन में नहीं रहेगा। सो ऑब्जेक्ट्स आर स्टेशनरी इन द स्टैटिक्स। और इसमें हम उस ऑब्जेक्ट के ऊपर कौन कौन से फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं उसका स्टडी करेंगे। और जब ऑब्जेक्ट मूव होता है, उसको मोशन मिल जाता है, तो उसका स्टडी हम डायनामिक्स में करते हैं। अगर ऑब्जेक्ट स्टेशनरी नहीं है, वो मोशन में है, स्टडी मूव हो रहा है, तो उसे हम डायनामिक्स में पढ़ेंगे। तो डायनामिक्स के दो हिस्से होते हैं, पहला होता है काइनेमेटिक्स और दूसरा होता है काइनेटिक्स। काइनेमेटिक्स में हम ऑब्जेक्ट के मोशन स्टडी करेंगे। मोशन मतलब क्या होता है कि अलग अलग मोशन पैरामीटर्स होते हैं। जैसे आपको पता है कि कोई ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है तो वो क्या कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है। तो समझो उसका डिस्प्लेसमेंट समझो x से डिनोट किया, उसको कुछ वेलोसिटी रहेगी, उसकी वेलोसिटी v से डिनोट किया, उसको कुछ एक्सलरेशन रहेगा, वो जर्नी कितने टाइम में कवर करेगा। तो इन्हें बोलते हैं मोशन पैरामीटर्स, वेरिएबल्स। तो इनका स्टडी करेंगे, मतलब हम काइनेमेटिक्स स्टडी करेंगे। लेकिन काइनेमेटिक्स में हम ये नहीं स्टडी करेंगे कि कौन से फोर्स की वजह से वो मोशन क्रिएट हुआ है, वो हम काइनेमेटिक्स में स्टडी नहीं करते हैं, वो हम काइनेटिक्स में स्टडी करते हैं। काइनेटिक्स मतलब क्या, इन सारे मोशन पैरामीटर्स का स्टडी करेंगे। जैसे उसका कितना डिस्प्लेसमेंट कहा, उसका लोकेशन क्या है, कौन से वेलोसिटी इनिशियल फाइनल क्या है, कितने एक्सलरेशन से मूव हो रहा है, कितने टाइम में जर्नी कवर किया, और ये करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, वो फोर्स। इन सबको मिला के एक साथ स्टडी करेंगे तो उस ब्रांच को बोलते हैं काइनेटिक्स। अगर फोर्स एक्सक्लूड करेंगे और सिर्फ मोशन पैरामीटर्स, मोशन वेरिएबल्स का स्टडी करेंगे तो उसे बोलेंगे काइनेमेटिक्स। तो सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट इज रिजिड बॉडी। एक बेसिक डेफिनेशन है, कुछ दो मार्क्स के लिए पूछते हैं कभी कभी। ऐसा बॉडी जो फोर्स लगाने के बाद भी डिफॉर्म नहीं होगा, उसे हम रिजिड बॉडी बोलते हैं। समझो ये बंडू भाई है, इन्होंने कुछ कंटेनर में कुछ सामान या मिट्टी लेके जा रहे हैं। तो ये जो गाड़ी देख रहे हो आप, तो ये ऑरेंज कलर का लिंक देख रहे हो, तो ये रिजिड बॉडी है। इसे हम रिजिड बॉडी क्यों बोलेंगे, समझो अगर ये लिंक मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, तो ये लिंक के ऊपर क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे एक फोर्स अप्लाई हो रहा है। इसका वेट जो है जो मिट्टी उठा के लेके जा रहा है बंडू भाई, तो वो मिट्टी क्या कर रही है, इस लिंक के ऊपर फोर्स एग्जर्ट कर रही है। यहाँ से ग्राउंड उसको रिएक्शन देगा, बंडू भाई उसको उठा के रखे है, तो यहाँ पे देखो फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं इस तरह से। तो एक ऊपर से एक फोर्स अप्लाई हो रहा है जो मिट्टी का वेट है, यहाँ से ग्राउंड से रिएक्शन उसको मिल रहा है और बंडू भाई ने भी यहाँ से उठा के रखा है। इसकी वजह से क्या होगा, ये रॉड इस तरह से बेंड होना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली ये बेंड नहीं हो रहा है समझो, तो उसे हम रिजिड बॉडी बोलेंगे। मतलब क्या, ये डिफॉर्म नहीं हो रहा है। प्रैक्टिकली होता है, बहुत स्मॉल अमाउंट में होता है जो कि हम निग्लेक्ट कर सकते हैं। तो
रिजिड बॉडी क्या है, मतलब अगर वो बॉडी डिफॉर्म होता है फोर्स की वजह से तो उसे रिजिड बॉडी नहीं बोलेंगे, और अगर वो डिफॉर्म नहीं होता है फोर्स अप्लाई करने के बाद भी उसकी साइज एंड शेप वैसा ही रहता है तो उसे हम रिजिड बॉडी बोलते हैं। ठीक है, तो उसका फॉर्मल डेफिनेशन हम पढ़ लेते हैं, जिसमें क्या बोला है, द बॉडी विच डज नॉट डिफॉर्म अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। इसमें कीवर्ड्स क्या है देखो, द बॉडी शुड नॉट डिफॉर्म अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ व्हाट, एक्सटर्नल फोर्स। बॉडी के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगा दो फिर भी वो डिफॉर्म नहीं हो रहा है तो उसे क्या बोलेंगे, रिजिड बॉडी बोलेंगे। अगर आपको कोई भी थ्योरी क्वेश्चन लिखना है, आंसर लिखना है, तो उसके कीवर्ड्स याद रखो। तो इस डेफिनेशन में कीवर्ड्स क्या है कि भाई किसी भी बॉडी को रिजिड बॉडी तब बोलेंगे जब वो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने के बाद भी डिफॉर्म नहीं होगा। समझते हैं, समझो, अभी डिफॉर्म मतलब क्या है कि उसका साइज एंड शेप चेंज हो जाए। समझो ये बंडू बंडू भाई हमने देखे थे, ये चले गए फॉर एग्जाम्पल वो आप होता है ना बॉक्सिंग, बॉक्सिंग खेलने चले गए लेट से, तो ये हमारे बंडू भाई बॉक्सिंग खेलने चले गए और मुंह तोड़वा के आ गए, तो अब क्या हुआ, ये भाई साहब ने एक जोर से गुस्सा मार दिया इनको तो उनके दांत निकल गए, देख रहे हो। तो क्या हो रहा है, इन्होंने क्या किया, फोर्स अप्लाई किया और उस फोर्स की वजह से क्या हो गया, इनका मुंह डिफॉर्म हो गया। तो क्या हम इसे रिजिड बॉडी बोल सकते हैं, तो इसे हम रिजिड बॉडी नहीं बोल सकते। ठीक है, क्योंकि क्या हुआ, फोर्स अप्लाई किया उसकी वजह से क्या हो गया, उनका मुंह डिफॉर्म हो गया, तो वो रिजिड बॉडी नहीं है। तो रिजिड बॉडी किसे बोलेंगे, वो फोर्स अप्लाई करने के बाद भी डिफॉर्म नहीं होनी चाहिए, दैट इज द फर्स्ट डेफिनेशन। अभी इसको हम अलग तरीके से भी बता सकते हैं, जैसे रिजिड बॉडी इज डिफाइंड एज द बॉडी ऑन विच द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स नेवर चेंजेस व्हाट एवर मे बी द एक्सटर्नल फोर्स ऑन इट। फॉर एग्जाम्पल अगर एक कोई फैन है, तो दिस इज अ फैन जिसके ऊपर क्या हो रहा है, अभी ये फैन के वेट की वजह से ये रॉड के ऊपर उसका वेट आ रहा है, ये फैन का वेट कहाँ पे, इस रॉड के ऊपर है। तो अब अगर ये रॉड अगर रिजिड बॉडी है तो इसके ऊपर कोई भी दो पॉइंट ले लो, फॉर एग्जाम्पल ये पॉइंट ले लो, एनी टू पॉइंट्स ऑन द बॉडी द डिस्टेंस बिटवीन देम, अगर समझो ये डिस्टेंस वाई है तो ये डिस्टेंस अगर चेंज हो जाएगा अगर फोर्स अप्लाई करूंगा, अगर इसका वेट इस पे अप्लाई हो रहा है ना, तो वेट ऑफ द फैन इज अप्लाइड ऑन दिस रॉड और इस रॉड के दो पॉइंट्स का डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है, मतलब वो क्या है, रिजिड बॉडी है। तो ये इस डेफिनेशन में बोला है, क्या कीवर्ड्स है, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स नेवर चेंजेस व्हाट एवर मे बी द एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स कुछ भी हो जाए, कोई भी दो पॉइंट ले लो उस बॉडी के ऊपर के, उनके बीच का डिस्टेंस कभी चेंज नहीं होगा, दैट इज द सेकंड डेफिनेशन ऑफ द रिजिड बॉडी। ओके, लेकिन अब प्रैक्टिकली रिजिड बॉडी है क्या, ये आइडियलाइजेशन है, एक्चुअली दिस इज एन आइडियलाइजेशन, इसमें ऐसा प्रैक्टिकली बॉडी दुनिया में है ही नहीं कि जो डिफॉर्म नहीं होगा, उसके ऊपर अगर कोई फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो कुछ ना कुछ अमाउंट में वो डिफॉर्म होगा, लेकिन वो अमाउंट बहुत कम है, समझो डिफॉर्मेशन का अमाउंट बहुत कम है। फॉर एग्जाम्पल समझो हमारे बंडू भाई जिम चले गए, जिम देखा है आपने जिसमें वो वजन उठाते हैं, तो ये बंडू भाई जिम में वजन उठा रहे हैं। ठीक है, अब ये रॉड देख रहे हो आप, इस रॉड को मैं इधर ड्रॉ कर लेता हूँ, तो ये रॉड के ऊपर क्या हो रहा है, अभी ये डंबल्स का दोनों साइड से वेट आ रहा है, ठीक है ना, तो ये वेट इधर डाउनवर्ड है, समझो कुछ वजन वो उठा रहे हैं और यहाँ से वो ऊपर उठा रहे हैं उसको, तो ये फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, इसके वजह से क्या होगा, ये रॉड इस तरह से बेंड होने की कोशिश करेगा, तो इस डिस्टेंस को बोलते हैं डिफॉर्मेशन, ये इसे क्या बोलेंगे, ये हो गया उसका डिफॉर्मेशन। और उसका टोटल लेंथ कितना है, सो दिस इज द लेंथ ऑफ द रॉड, जो कि बहुत बड़ा है, 4-5 फुट का रॉड है, उसका डिस्टेंस डिफॉर्मेशन कितना होगा, माइक्रोस्कोपिक होगा, बहुत 1 mm 2 mm में डिफॉर्मेशन होगा, थोड़ा बेंड होगा वो, तो वो डिफॉर्मेशन उसके लेंथ के हिसाब से बहुत कम है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको आइडियलाइज कर सकते हैं एज रिजिड बॉडी। सो रिजिड बॉडी इज अ हाइपोथेटिकल कंसेप्ट, ऐसा प्रैक्टिकली नहीं है, लेकिन हम मोस्टली 90-95% बॉडीज को हम रिजिड एज्यूम कर सकते हैं। क्यों रिजिड एज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि उनका डिफॉर्मेशन जो होता है वो बहुत निग्लिजिबल होता है एज कम्पेयर टू देयर ओरिजिनल साइज, साइज बहुत बड़ी है और डिफॉर्मेशन बहुत छोटा है, तो हम उसको निग्लेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, नाउ विल डिस्कस द वेरी बेसिक डेफिनेशन फोर्स। अब तक हमने जो देखा कि रिजिड बॉडी में हम बोल रहे थे कि फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो ये फोर्स क्या होता है, आप सब लोग जानते ही हो ऑलमोस्ट कि फोर्स क्या होता है, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि वो 2 मिनट बाजू में रखे और मैं जो बोल रहा हूँ उसको ठीक से सुने। तो फोर्स अगर समझना है तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि ये इंटरेक्शन है दो बॉडीज के बीच में। क्या बोला मैंने, दो वर्ड्स मैंने इंपॉर्टेंट वर्ड्स बोले हैं, पहला वर्ड बोला मैंने दो बॉडीज और दूसरा वर्ड बोला उसके बीच का इंटरेक्शन। तो ये क्या है, ये इंटरैक्शन है दो बॉडीज के बीच का, जहाँ पे भी फोर्स है वहाँ पे दो बॉडीज है ही, आपको वो दिखे या ना दिखे, और उनके बीच के इंटरेक्शन को हमने नाम दिया फोर्स। तो कौन से इंटरेक्शन को नाम दे, ये सवाल है, हर इंटरेक्शन को फोर्स नहीं बोल सकते, ठीक है ना। जैसे माइक हूँ और मैं हूँ, हम दोनों भी इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो मेरी साउंड वेव्स माइक रिसीव कर रहा है, तो इसको फोर्स बोलेंगे क्या, नहीं बोल सकते। ये ट्यूबलाइट है और मैं हूँ, ट्यूबलाइट मेरे ऊपर लाइट थ्रो कर रहा है, तो लाइट के फॉर्म में हम इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो इसको फोर्स बोल सकते हैं क्या, नहीं बोल सकते। अगर गर्म चाय की प्याली है समझो, मैं पी लेता हूँ, शाम का मौसम है, चाय पीने का मूड है, चाय पी लिया मैंने, तो चाय के बीच में और मेरे बीच में भी इंटरेक्शन हो रहा है, कौन कौन से टाइप का इंटरेक्शन हो रहा है, उसके अंदर की हीट मेरे अंदर जा रही है, एनर्जी मुझे मिल रही है, स्वाद मिल रहा है, तो ये भी इंटरेक्शन है, तो इसको फोर्स बोलेंगे क्या, आप सोच रहे हो, इसको फोर्स नहीं बोलेंगे। कौन से टाइप के इंटरेक्शन को हम फोर्स बोलेंगे, दो बॉडीज रहेगी
उनके बीच का इंटरेक्शन है, उसे हम फोर्स बोलते हैं। लेकिन कौन से टाइप का इंटरेक्शन? आप हो और मैं हूँ, हम दोनों के बीच में भी इंटरेक्शन हो रहा है। मैं कुछ बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हो, तो हम दोनों के बीच में भी कुछ इंटरेक्शन हो रहा है, इसे फोर्स बोलेंगे क्या? तो नहीं, इसे फोर्स नहीं बोलेंगे। तो फोर्स किसे बोलेंगे? जिस इंटरेक्शन की वजह से एक या दोनों बॉडी का स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन बदलता हो। क्या बोला मैंने? थोड़ा फास्ट हो गया, शोक करते हैं। तो बॉडीज के बीच की बात है पहली बात, तो उसको एग्जांपल से समझते हैं। हमारे बंडू भाई जो थे ना, अभी जो घूम रहे थे टोपी पहन के, बॉक्सिंग खेलने भी टोपी पहन के चले गए। तो बंडू भाई आज काम पे लौटे हैं और वहाँ पे कुछ उनको सामान उठाने को बोला है, तो चलो ड्रॉ करते हैं। तो ये बंडू भाई सामान उठा रहे हैं ऊपर, अगर समझो ये इस पोजीशन में स्टेशनरी है और बंडू भाई ने खींचना शुरू किया, तो क्या होगा? ये ऑब्जेक्ट इनिशियली क्या है? स्टेट ऑफ रेस्ट पे है। और यहाँ से अभी अगर वो खींच रहा है, बंडू भाई उसको खींच रहे हैं, तो क्या होगा? ये ऊपर उठना शुरू हो जाएगा। तो इसको क्या मिलेगा? मोशन मिलेगा। मतलब क्या हो गया? स्टेट ऑफ रेस्ट बदल गया स्टेट ऑफ मोशन में। तो ये मोशन आ गया उसको, स्टेट ऑफ मोशन आ गया। ये किस वजह से हुआ? ये जो कुछ ऑब्जेक्ट है, ये जो बक्सा है, ये जो कुछ भी सामान है, इसके और ये बंडू भाई के बीच में कुछ इंटरेक्शन हो रहा है। ये दो बॉडीज हो गई, इनके बीच का ये इंटरेक्शन है, उसके वजह से क्या हुआ? उस इंटरेक्शन की वजह से इसका स्टेट ऑफ रेस्ट बदल गया स्टेट ऑफ मोशन में। तो उस इंटरेक्शन को नाम देंगे फोर्स। तो कौन से इंटरेक्शन को नाम फोर्स दे सकते हो? जिस इंटरेक्शन की वजह से आपका स्टेट ऑफ रेस्ट बदल जाए स्टेट ऑफ मोशन में, या स्टेट ऑफ मोशन बदल जाए स्टेट ऑफ रेस्ट में, उसे हम क्या बोलेंगे? फोर्स बोलेंगे। ठीक है, सो दैट इज व्हाट द बेसिक डेफिनेशन ऑफ फोर्स। मतलब फोर्स क्या क्या कर सकता है? इसकी स्टेट ऑफ रेस्ट को मोशन में ला सकता है, या मोशन, अब समझो बंडू भाई ने ये उठाया और रिक्शा में डाल के लेके गए, चलो समझते हैं। तो बंडू भाई ये रिक्शा में जा रहे हैं अभी, ये सामान उठाया उन्होंने और रिक्शा में लेके जा रहे हैं। अब रिक्शा जब शुरू होगा तो ये क्या है? स्टेट ऑफ रेस्ट में। बंडू भाई जब उसको एक्सलेटर दबाएंगे तो क्या होगा? उसका वेलोसिटी बढ़ेगा। किस वजह से हो रहा है? इंजन उस गाड़ी के ऊपर फोर्स एग्जर्ट कर रहा है, ठीक है ना। उस फोर्स की वजह से क्या हो रहा है? स्टेट ऑफ रेस्ट मोशन में आ गया। जैसे मोशन बढ़ा, बंडू भाई आगे जा रहे तो उसको वेलोसिटी बढ़ रही है, तो जाके आराम से चल रहे हैं अभी, शांति से रोड पे चल रहे। तो उसके बाद क्या हो गया? सामने समझो कुछ स्पीड ब्रेकर आ गया, तो बंडू भाई ने क्या किया? ब्रेक अप्लाई किया। ब्रेक अप्लाई करने की वजह से क्या हो गया? ब्रेक क्या है? फ्रिक्शनल फोर्स है। उस फोर्स की वजह से क्या हो गया? मोशन कम हो रहा है, मतलब वेलोसिटी कम हो रहा है। तो क्या क्या हो सकता है? स्टेट ऑफ रेस्ट को हम मोशन में ला सकते हैं, मतलब वेलोसिटी बढ़ा सकते हैं। फोर्स अप्लाई करके उस वेलोसिटी कम भी कर सकते हैं। उसके बाद क्या हो गया? बंडू भाई को दिखा कि भाई हमें राइट लेना है, तो बंडू भाई ने क्या किया? हैंडल को मोड़ दिया। हैंडल मोड़ना मतलब क्या? फ्रिक्शन को यूज़ कर रहे हो डायरेक्शन को चेंज करने के लिए। मतलब क्या? फ्रिक्शनल फोर्स, फोर्स यूज़ करके हमने मोशन के डायरेक्शन को भी चेंज कर दिया। फोर्स क्या क्या कर सकता है? रेस्ट में से उस मोशन को शुरू कर सकता है, मोशन की वेलोसिटी को बढ़ा सकता है, फिर वेलोसिटी को कम भी कर सकता है, उस वेलोसिटी के डायरेक्शन को भी बदल सकता है। और आगे जाके उसको समझा कि भाई हमें यहाँ जाके उसको बोला है कि यह सामान फेंक क्या हो गई पे, तो वहाँ जाके उसको रुकना था, तो वहाँ के जाके वो रुक गया। मतलब क्या? उसने ब्रेक्स अप्लाई किया और रुक गया, फोर्स अप्लाई किया और मोशन को पूरा रोक दिया। ठीक है, तो यह सब कुछ फोर्स कर सकता है। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, फोर्स को हम दो कैटेगरीज में क्लासीफाई कर सकते हैं। पहला है जो फोर्स डायरेक्ट कॉन्टैक्ट की वजह से होता है, और दूसरा जो होता है वो इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट की वजह से होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर बंडू भाई ये फेंकने को बोला तो पहाड़ पे चले गए, तो इस पहाड़ के ऊपर बंडू भाई ने गाड़ी रोक दिया और उस बक्से को उतार के उसको ढकेलने लग गए। अब क्या हो रहा है देखो, अब ये फोर्स अप्लाई कर रहा है इसको, इस बक्से को आगे पुश करने के लिए, ठीक है ना। अब इस फोर्स की वजह से क्या होगा? वो स्टेट ऑफ रेस्ट से मोशन में आ जाएगा। अब हमें ये फोर्स दिख रहा है, फिजिकल कॉन्टैक्ट हो रहा है बंडू भाई के बीच में और उस बक्से के बीच में, क्या हो रहा है? फिजिकल कॉन्टैक्ट है। आगे क्या होगा? ये आगे जाने लगेगा, बक्सा यहाँ पे जाएगा, और यहाँ से अगर यहाँ तक पहुंच गया बक्सा तो क्या होगा? नीचे गिरेगा। अब नीचे क्यों गिर रहा है वो? बंडू भाई ने तो छोड़ दिया उसको, फिर नीचे क्यों गिरेगा? नीचे इसलिए गिरेगा क्योंकि उसको अर्थ क्या कर रही है? अट्रैक्ट कर रही है। अर्थ कौन से फोर्स की वजह से अट्रैक्ट कर रही है? उसे बोलते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी, हम सब जानते हैं। तो वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट की वजह से है क्या? नहीं, वो इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट की वजह से, वो दिखता नहीं है विदाउट मीडियम। सो उस कैटेगरी को बोलेंगे इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट टाइप ऑफ फोर्सेस। और पहला कैटेगरी क्या हो गया? डायरेक्ट कॉन्टैक्ट टाइप ऑफ फोर्सेस। सो नाउ लेट अस सी द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए फोर्स। फोर्स को अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है वेक्टर फॉर्म में, तो उसको क्या क्या चीजें लगेंगी वो हम देखते हैं, ठीक है। तो समझो हमने जो बंडू भाई हमारा वो बक्सा लेके गए थे पहाड़ पे फेंकने के लिए, वो उनसे पुश नहीं हो रहा है, तो अभी वो पुल करना चाहते हैं। तो पुल करने के लिए उन्होंने समझो ये जो बक्सा था यहाँ पे इस पहाड़ पे, तो यहाँ पे थ्रेड बांध दिया उन्होंने, और ये अभी क्या कर रहे हैं? इसको पुल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी क्या हो गया? समझो वो फोर्स कितना अप्लाई कर रहे हैं, उसे बोलेंगे मैग्नीट्यूड। तो पहली चीज क्या है? मैग्नीट्यूड। मतलब क्या? ये फोर्स कितना है? समझो बंडू भाई ने इसको 50 न्यूटन अप्लाई किया है, तो हम उसको वेक्टर की लेंथ को मैग्नीट्यूड के फॉर्म में दिखाएंगे। दिस इज व्हाट, लेट्स से 50 न्यूटन, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, कितना फोर्स उन्होंने लगाया उसको पुल करने के लिए। दैट इज द फर्स्ट एट्रीब्यूट दैट यू शुड मेंशन अबाउट द फोर्स, दैट इज मैग्नीट्यूड। उसके बाद में ये मैग्नीट्यूड उसने कौन से डायरेक्शन में लगाया, तो रेफरेंस एक्सिस से हम उसकी डायरेक्शन काउंट कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं इसको एक्स और वाई बोलूंगा, लेट्स से दिस इज एक्स, दिस इज वाई, सो विद रिस्पेक्ट टू एक्स डायरेक्शन कितना एंगल किया है, उसे बोलेंगे डायरेक्शन, लेट्स से 30 डिग्री।
सो सेकंड क्या रिक्वायरमेंट है, डायरेक्शन, ठीक है। देन अब ये कहां पे अप्लाई कर रहा है, पहले हमने देखा था कि इधर से पुश कर रहा था तो यहां पे अप्लाई हो रहा था फोर्स, लेकिन अब पुल जब कर रहा है तो यहां पे कर रहा है, तो ये क्या हो गया, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, उसे क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है रिप्रेजेंटेशन के बारे में, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, तो इस पॉइंट पे अप्लाई कर रहा है, ठीक है। और क्या इंपॉर्टेंट चीज हो सकती है कि ये पुल कर रहा है, आप देख रहे हो लास्ट टाइम वो जो कर रहा था यहां से पुश कर रहा था, इसको आगे ढकेल रहा था, यहां पे क्या कर रहा है, खींच रहा है। सो दिस इज पुल, दिस इज कॉल्ड एज सेंस। सो पुश और पुल इज कॉल्ड एज सेंस, ये पुल टाइप ऑफ फोर्स है, पुश एंड पुल इज कॉल्ड एज सेंस ऑफ द फोर्स। सो इन चार चीजों को अगर मैं डिफाइन करता हूं प्रॉपरली तो ही मैं फोर्स को पूरी तरह से डिफाइन करता हूं। इसमें से सबसे दो इंपॉर्टेंट, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, फर्स्ट टू दैट इज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, वो तो होनी ही चाहिए। उसके बाद उसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन कहाँ पे है और उसका सेंस क्या है, वो अगर मैं पूरी तरह से डिफाइन करता हूँ तो बोलता हूँ कि मैं फोर्स को डिफाइन कर देता हूँ। अभी कई बार क्या होता है, इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज हमें पता होनी चाहिए, उसका लाइन ऑफ एक्शन की तरह वो भी पता होना चाहिए। तो लाइन ऑफ एक्शन क्या है, अभी से ध्यान में रख लो, लाइन ऑफ एक्शन मतलब जिस डायरेक्शन में वो लग रहा है उस डायरेक्शन को अगर मैं एक्सटेंड करता हूँ दोनों साइड पे, इस लाइन को क्या बोलेंगे, लाइन ऑफ एक्शन। ये हमें बाद में कुछ प्रिंसिपल्स पढ़ने के लिए पता होना चाहिए, लाइन ऑफ एक्शन क्या होता है। लाइन ऑफ एक्शन मतलब क्या, जिस डायरेक्शन में वो लग रहा है उस फोर्स के वेक्टर को पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन से, उस लाइन को बोलेंगे लाइन ऑफ एक्शन, ठीक है। सो दिस इज व्हाट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फोर्स, राइट। सो नाउ लेट अस डिस्कस कि एक फोर्स क्या क्या कर सकता है। जैसे हमने देखा था कि फोर्स क्या कर सकता है, लेकिन वो हमने रिजिड बॉडी के ऊपर बाहर से देखा था, तो अभी हम थोड़ा और उसको समझते हैं। अगर समझो बॉडी रिजिड नहीं है तो उस बॉडी को वो डिफॉर्म कर सकता है, तो रियल बॉडी को वो डिफॉर्म कर सकता है। तो मैं यहाँ पे रियल बॉडी लिख देता हूँ, समझो ये रियल बॉडी है, रियल बॉडी को फोर्स क्या कर सकता है, डायरेक्टली डिफॉर्म कर सकता है, मतलब उसका साइज एंड शेप बदल सकता है। जैसे आपने टोपी वाले भाई का मुंह तोड़ दिया था तो वो डिफॉर्म हो गया था, तो रियल बॉडी था, तो जब भी रियल बॉडी को फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो डिफॉर्म हो जाएगी, ठीक है। अगर समझो रियल बॉडी रियल नहीं है, हम आइडियलाइजेशन करते हैं कि वो बॉडी क्या है, रिजिड है, ठीक है, तो उसके लिए क्या है, तो उसका बाहर से क्या हो सकता है, उसका स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन बदल सकता है। वी कैन चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन, इसको क्या कर सकते हैं, हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये बाहर से हो गया कि रिजिड बॉडी के बाहर क्या होगा, तो उसका मोशन बदल जाएगा, उसका वेलोसिटी बदल सकता है, एक्सेलरेशन बदल सकता है, लेकिन बॉडी के अंदर क्या होगा, ठीक है ना। तो बॉडी के अंदर जो होता है वो स्ट्रेसेज जनरेट होता है फोर्स अप्लाई करने की वजह से। बाहर से जब हम किसी बॉडी को फोर्स अप्लाई करते हैं तो बॉडी के अंदर स्ट्रेस जनरेट होता है, जो कि इस कोर्स का स्कोप नहीं है, ये ना आपको आगे के कोर्सेज में समझेगा कि स्ट्रेस क्या होता है, लेकिन प्राइमरी बेसिस पे बता देता हूँ कि अगर फोर्स हम बाहर से लगाते हैं तो बॉडी अंदर से रेजिस्ट करती है, एंड दैट इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड एज स्ट्रेस। मतलब जब भी मैं समझो इस पेंसिल को मैं बाहर से मोड़ना चाहूँगा, तो ये बाहर से फोर्स जब अप्लाई कर रहा हूँ तो अंदर से बॉडी इस फोर्स को रेजिस्ट कर रही है, उस वजह से अंदर से एक रेजिस्टेंस फोर्स क्रिएट हो रहा है और उसको स्ट्रेस बोलते हैं। तो वो क्या हो गया, अंदर हो गया, सो इंटरनल टू बॉडी दैट विल बी स्ट्रेसेस जनरेटेड इनसाइड द बॉडी। सो दिस इज व्हाट, दिस इज एक्सटर्नल इफेक्ट एंड दिस इज व्हाट इंटरनल इफेक्ट ऑन रिजिड बॉडी, किसने किया, फोर्स ने क्रिएट किया, दिस इज इंटरनल इफेक्ट, ठीक है, और ये क्या है, एक्सटर्नल इफेक्ट, ठीक है। अगर फोर्स अप्लाई करते हैं हम रिजिड बॉडी को तो वो बाहर से उसका स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन बदल सकता है और अंदर से उसके अंदर स्ट्रेसेस क्रिएट कर सकता है, ये किस, और लेकिन वो डिफॉर्म नहीं होगा क्योंकि वो क्या है, रिजिड बॉडी है। अगर वो वही फोर्स हम रियल बॉडी को जो कि रिजिड नहीं है उसको अगर अप्लाई करते हैं तो वो डिफॉर्म भी हो जाएगा, उसका भी स्टेट ऑफ रेस्ट बदल सकता है, उसका भी स्टेट ऑफ मोशन बदल सकता है, उसके अंदर भी स्ट्रेसेस क्रिएट हो सकते हैं, यह सब कुछ भी हो सकता है। तो हमारा जो कोर्स है वो लिमिटेड है स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन चेंज होने पर रिजिड बॉडी के, हम उसके अंदर के स्ट्रेसेस का स्टडी नहीं करेंगे, उसको उसका डिफॉर्मेशन भी स्टडी नहीं करेंगे। नाउ लेट अस सी व्हाट आर द फोर्स सिस्टम्स। तो फोर्स सिस्टम किसे बोलेंगे, जहाँ पे नंबर ऑफ फोर्सेस रहेंगे एक साथ एक बॉडी के ऊपर एक्ट हो रहे हैं तो उसको फोर्स सिस्टम बोला जा सकता है, ठीक है ना। सो इट इज अ कलेक्शन ऑफ फोर्सेस। व्हाट इज फोर्स सिस्टम, इट इज अ कलेक्शन ऑफ फोर्सेस। समझो एक ऑब्जेक्ट के ऊपर पांच फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, वो पांच फोर्सेस का एक दूसरे के साथ ओरिएंटेशन कैसा है, डिपेंडिंग ऑन दैट उस फोर्स सिस्टम को नाम दिया है। जैसे कोलिनियर फोर्स सिस्टम, जैसे देखते हैं हम, जैसे कोलिनियर हो गया, नॉन कोलिनियर हो गया, मतलब इसमें क्या देख रहे हो आप, ऑब्जर्व दिस, इसमें टग ऑफ वॉर है, देखा है आपने, ये इधर से खींच रहा है, इधर से खींच रहा है, तो इस रोप के अंदर क्या हो रहा है, दो फोर्स अप्लाई हो रहे हैं, इधर से एक फोर्स है समझो F1 और इधर कौन है, दूसरा F2। अब इनका क्या प्रॉपर्टी है, ये फोर्स एक ही लाइन के ऊपर एक्ट हो रहे हैं, इनका लाइन ऑफ एक्शन क्या है, सेम है, दैट इज वाई दे आर कॉल्ड एज कोलिनियर फोर्सेस। लाइन ऑफ एक्शन दोनों का क्या है, सेम है, सो दिस इज कोलिनियर फोर्स सिस्टम। अगर ऐसे फोर्सेस है जो एक दूसरे को पैरेलल है और वो एक ही लाइन ऑफ एक्शन पे ऊपर है तो उन्हें हम कोलिनियर फोर्स सिस्टम बोलेंगे। दूसरा क्या हो सकता है, नॉन कोलिनियर, उसमें क्या रहेगा, ये एक फोर्स है, ये दूसरा फोर्स है, इन दोनों के बीच में कुछ एंगल है, तो दैट इज नॉन कोलिनियर फोर्स सिस्टम, ठीक है ना। द नेक्स्ट इज कोप्लेनर एंड नॉन कोप्लेनर, मतलब क्या, नाम में उसका मीनिंग है, अगर पूरे फोर्सेस एक ही प्लेन में रहेंगे तो उसको कोप्लेनर बोलेंगे। जैसे देखो यहाँ पे
यहाँ पे क्या हो रहा है, ये स्ट्रिंग दिख रहा है, तो इस स्ट्रिंग के अंदर टेंशन रहेगा, समझो टेंशन टी है, और इसका वेट डब्ल्यू नीचे एक्ट हो रहा है, कितना है 1000 न्यूटन। यहाँ पे कुछ रिएक्शंस रहेंगे, ठीक है ना, तो ये सारे फोर्सेस एक ही प्लेन में दिख रहा है, एक्स वाई प्लेन में, दैट इज वाई दिस फोर्स सिस्टम इज कॉल्ड एज कोप्लेनर फोर्स सिस्टम। क्लियर है, बहुत आसान है। नॉन कोप्लेनर में क्या हो जाता है कि सारे फोर्सेस अलग अलग प्लेन्स में रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये 200 और 300 देखूंगा तो इस प्लेन में है, ठीक है, और ये वाले ये वर्टिकल प्लेन में है, तो ये दोनों प्लेन अलग अलग है, गेटिंग और नॉट, सो दैट इज नॉन कोप्लेनर फोर्स सिस्टम। तो सारे फोर्सेस एक ही प्लेन में नहीं है, एक प्लेन कॉमन नहीं है उसमें, देख रहे हो आप यहाँ पे, ये वाला प्लेन अलग है, ये 200 और 300 वाला, और ये 600 और 400 वाला प्लेन अलग है, तो ये दोनों प्लेन अलग अलग है, तो दिस इज नॉट अ प्लेनर फोर्स सिस्टम, दिस इज अ नॉन प्लेनर फोर्स सिस्टम। नेक्स्ट आता है कॉन्करेंट एंड नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। तो कॉन्करेंट में क्या होगा, नाम में उसका कि वो सारे फोर्सेस एक ही पॉइंट पे आएंगे, उस फोर्स सिस्टम में जितने भी फोर्सेस है वो एक ही पॉइंट पे आने चाहिए। फॉर एग्जांपल देखो अभी ये 2 किलोन्यूटन का लाइन ऑफ एक्शन अगर मैं एक्सटेंड करता हूं तो ये सेंटर से पास हो रहा है, दिख रहा है। सिमिलरली इस टी टेंशन का भी, अगर टी जो बताया है उसका अगर लाइन ऑफ एक्शन एक्सटेंड करता हूं तो वो भी सेंटर से पास हो रहा है, हो गया। उसके बाद में ये वाला 1.2 वो भी सेंटर से पास हो रहा है, और ये वर्टिकल वाला वो भी सेंटर से पास हो रहा है। मतलब क्या, उन फोर्सेस के लाइन ऑफ एक्शन एक ही पॉइंट से पास हो रहे हैं, उसे बोलेंगे कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। ऐसा जरूरी नहीं है कि वो फोर्सेस का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन एक ही पॉइंट पे होना चाहिए, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन कहीं पे भी हो। देखो यहाँ पे इस फोर्स का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन यहाँ पे, 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 पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन अलग अलग जगह पे, लेकिन उनका लाइन ऑफ एक्शन एक साथ एक ही पॉइंट पे आ रहा है, ऐसा अगर है तो उसे बोलेंगे कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल अगर दूसरा एक सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ, अगर कोई एक थ्रेड में इस तरह से टाई करता हूँ, एक दूसरा रस्सी इधर से बांध देता हूँ, बहुत ही फेमस और कॉमन एग्जाम्पल है, और उसको एक वेट नीचे बांध देता हूँ, तो अब क्या होगा, ये W, ये टेंशन T1 और ये टेंशन T2 सारे क्या हो रहे हैं, एक ही पॉइंट पे काम कर रहे हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, इसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन भी वही पे है, और वो एक ही जिस पॉइंट पे एक साथ आ रहे हैं उनका लाइन ऑफ एक्शन, वो भी पॉइंट सेम ही है, तो ये भी कॉन्करेंट ही है, लेकिन ये भी कॉन्करेंट है, इसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन अलग है लेकिन उनके लाइन ऑफ एक्शन क्या आ रहे हैं, एक ही पॉइंट पे आ रहे हैं, इसलिए उनको बोलेंगे कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। दिस कैन बी प्लेनर, दिस कैन बी नॉन प्लेनर ऑल्सो। उसके बाद नॉन कॉन्करेंट, नॉन कॉन्करेंट मतलब क्या, किसी भी सारे फोर्सेस एक ही पॉइंट पे नहीं आएंगे, कोई दो आ सकते हैं, तीन आ सकते हैं, लेकिन सारे फोर्सेस नहीं आएंगे, तो उसे बोलेंगे नॉन कॉन्करेंट। फॉर एग्जांपल देख लो यहाँ पे इसका टेंशन जो है, इस केबल में जो टेंशन है ये इस पॉइंट से जा रहा है, इसका लाइन ऑफ एक्शन इधर है, ठीक है, ये जो वेट है ये वर्टिकली जा रहा है, तो इसका लाइन ऑफ एक्शन इधर इधर यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है इसको। ये जो दूसरा टेंशन है T2, लेट्स से T2, दिस वॉज T1, तो ये T1 और T2 यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, W यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है इसको, तो मतलब क्या, एक दूसरे के साथ जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स है उनके लाइन ऑफ एक्शन के, वो अलग अलग है, इसलिए उसको कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम नहीं बोलेंगे, दैट इज नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। क्लियर है, उसके बाद देखते हैं, फिर आता है पैरेलल एंड नॉन पैरेलल फोर्स सिस्टम। इसमें देख रहे हो आप ये कॉलम्स है, इस कॉलम्स के ऊपर कुछ फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, कोई स्ट्रक्चर के कॉलम्स है उसके ऊपर रूफ रहेगा, उसके फोर्सेस डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, तो ये सारे फोर्सेस वर्टिकल है, इस वजह से क्या हो गया, ये एक दूसरे को पैरेलल हो गए, ग्रेविटी फोर्सेस एक दूसरे को क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं, तो ये सारे फोर्सेस पैरेलल है, इसलिए उसको बोलेंगे पैरेलल फोर्स सिस्टम। इसमें कोई एक भी फोर्स अगर उसको पैरेलल नहीं रहता है, समझो यहाँ पे मैं एक ऐसा इंक्लाइन फोर्स लगा देता हूँ, अब ये फोर्स सिस्टम पैरेलल फोर्स सिस्टम नहीं रहा, अब ये जनरल बन गया, क्यों, क्योंकि ये किसी एक कैटेगरी में नहीं बैठ रहा है, तो उसको जनरल बोलते हैं। तो फिलहाल अगर ये फोर्स नहीं था तो ये पैरेलल है, तो ये अभी पैरेलल है, ठीक है। उसका साइड वाला एग्जांपल देख लो, नॉन पैरेलल के लिए क्या है, नॉन पैरेलल में क्या हो रहा है, यहाँ पे एक टेंशन है, इसमें टेंशन है, इस केबल में, इस केबल में भी टेंशन है, वो इस डायरेक्शन में है, और ये वेट नीचे जा रहा है, तो ये क्या हो गया, इसमें ये दो फोर्सेस एक दूसरे को पैरेलल है, लेकिन ये तीसरा फोर्स जो है वो इनको पैरेलल नहीं है, तो ये क्या बन गया, नॉन पैरेलल बन गया, ठीक है। तो रियलिटी में अभी हम कोई भी एग्जांपल देखेंगे तो वो एक ही कैटेगरी में बैठेगा ऐसा नहीं है, कोई दो कॉम्बिनेशन हो सकता है, मतलब क्या, प्लेनर है कॉन्करेंट है, नॉन प्लेनर है कॉन्करेंट है, प्लेनर है लेकिन वो पैरेलल है, नॉन प्लेनर है लेकिन वो पैरेलल है, इस तरह से कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। और अगर जैसे मैंने बताया तीन कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट है इसमें, प्लेनर, पैरेलल एंड कॉन्करेंट। तो अभी जनरल फोर्स सिस्टम क्या होता है, उसमें क्या होता है, अभी यहाँ पे देख लो, ये फोर्स और ये फोर्स पैरेलल भी नहीं है, एक प्लेन में है क्या, ये अलग प्लेन में है, अलग प्लेन में, तो ये प्लेनर भी नहीं है, ये दोनों एक पॉइंट पे आ रहे हैं क्या, नहीं कभी नहीं आएंगे, दोनों एक दूसरे ऐसे जाएंगे इस तरह से, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, और ये दोनों अलग प्लेन में है, तो ये कभी भी एक पॉइंट पे नहीं आएंगे, सो ये कॉन्करेंट नहीं है। तो ये तीनों अगर नहीं है तो उसे बोलेंगे जनरल फोर्स सिस्टम। इसमें भी एग्जांपल दूसरा देख लो, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये दो वर्टिकल है, तो ये कभी भी एक दूसरे को साथ नहीं मिल सकते, ये पैरेलल हो गए तो एक दूसरे को कभी नहीं मिलेंगे, तो कॉन्करेंट तो नहीं हो सकता, कॉन्करेंट नहीं हो सकता, ठीक है। पैरेलल है क्या, हाँ ये एक, ये दो फोर्सेस पैरेलल है लेकिन ये तीसरा वाला नहीं है, मतलब कोई तो एक फोर्स है जो इंक्लाइन है, तो पैरेलल फोर्स सिस्टम नहीं रहा,
प्लेनर है क्या? एक प्लेन में है क्या? ये दोनों अगर इस प्लेन में है तो ये तीसरा बीच वाले प्लेन में है, तो ये प्लेनर भी नहीं रहा, मतलब ये तीनों नहीं है। तो अगर ये तीनों नहीं होते हैं तो उसे बोलेंगे जनरल फोर्स सिस्टम, मतलब इस इन दोनों में से कोई भी दो नहीं होते हैं तो उसको हम जनरल बोल सकते हैं, ठीक है। सो हमारे जो न्यूमेरिकल्स रहेंगे वो पर्टिकुलरली प्लेनर फोर्स सिस्टम मोस्टली रहेंगे, बाद में स्पेस फोर्स सिस्टम, इसको स्पेस भी बोलते हैं, जब भी ऐसे 3D आएगा तो उसको स्पेस फोर्स सिस्टम बोलते हैं, स्पेस पूरा यूटिलाइज हो रहा है, सारे प्लेन्स यूटिलाइज हो रहे हैं तो उसको स्पेस फोर्स सिस्टम भी बोलते हैं। तो स्पेस में हम पैरेलल फोर्स सिस्टम यूज देखेंगे, फिर कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम भी देखेंगे, इस तरह के अलग अलग कॉम्बिनेशन के न्यूमेरिकल्स हम आगे वाले मॉड्यूल्स में देखने वाले हैं। सो दैट इज व्हाट द क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्स सिस्टम्स। सो इन दिस वे हमने आज के लेक्चर में क्या क्या देखा, तो शुरू हमने किया था कि वही मैकेनिक्स क्या है, उसके दो ब्रांचेस, देन हम रिजिड बॉडी का डेफिनेशन देखा, दो डेफिनेशन हमने डिस्कस किया, देन उसके बाद में फोर्स क्या होता है, फोर्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, फोर्स क्या क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, देन हमने उसका फोर्स सिस्टम्स कैसे होते, कौन कौन सी होती है, इसके बारे में डिस्कस किया। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पूरा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का कोर्स मैं इसमें आगे देने वाला हूँ, लेक्चर बाय लेक्चर मॉड्यूल 7 मैंने जो एक्सप्लेन किए थे उनको पूरा कवर करूंगा, होमवर्क के साथ न्यूमेरिकल्स के साथ उसको डिस्कस करूंगा। सो अगर आप नए हैं चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, लाइक दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।